नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के विरोधी दल के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक समझे जाने वाले विधायक विजय वडेट्टीवार ने चंद्रपुर वणी पांडरपोनी में चल रहे अवैध कोयला कारोबार के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार होने का सनसनीखेज खुलासा किया। उनके अनुसार राजनेताओं के संरक्षण में कोयले का काला बाजार फल फूल रहा है। टीवी चैनलों को दिए बयान में उन्होंने ये इशारा कौन से कांग्रेसी नेता की ओर किया। चंद्रपुर कांग्रेस का वह नेता कौन है जिसका राजनीतिक संरक्षण कोल माफियाओं का है, ये सवाल अब जनता के बीच तूल पकड़ रहा है। वडेट्टीवार के इस बयान से कांग्रेस के भीतर की राजनीति में ज्वालामुखी फूटने जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि वडेट्टीवार ने कांग्रेस नेता के साथ साथ भाजपा नेताओं को भी घेरने की कोशिश की, लेकिन अधिक चर्चा तो कांग्रेस द्वारा कांग्रेस की ही आलोचना और राज्य का पर्दाफाश करने को लेकर हो रही है। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया, जिसमें उन्होंने न केवल विरोधी दल के नेताओं बल्कि अपने ही दल के नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाया। वडेट्टीवार का कहना है कि कोयला व अशरीत से होने वाले प्रदूषण के कारण स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि NM ग्लोबल में बड़े पैमाने पर काले बाजार का खेल चल रहा है, जिसमें स्थानीय राजनीतिक नेता भी शामिल है। वडेट्टीवार ने कहा कि कोयले की अवैध बिक्री से होने वाले मुनाफे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं का हाथ है। वडेट्टीवार ने कहा कि NM ग्लोबल पर करोड़ों का जुर्माना लगाया गया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि NM ग्लोबल के मालिक के बड़े नेताओं का समर्थन प्राप्त है, जिससे वह कानूनी कार्रवाई से बच निकलते हैं। जब तक महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन नहीं होता, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। उन्होंने राजनीतिक संरक्षण के बिना ऐसे अवैध धंधों के फलने फूलने की संभावना को खारिज कर दिया और कहा कि वह जनता और किसानों का दुर्भाग्य है कि उनके लिए कोई भी नेता संघर्ष नहीं कर रहा। NM ग्लोबल पर विशेष रूप से निशाना साधा। उनका आरोप है कि इन कंपनियों के कारण क्षेत्र में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही है, किसानों की फसलें नष्ट हो रही है और सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे बड़े राजनेताओं का संरक्षण है। कोयले के काले बाजार में वर्चस्व के संघर्ष के कारण कई बार हिंसक घटनाएं हो चुकी है, कईयों ने अपनी जान गंवाई है। कोयले के अवैध धंधे के चलते जिले में गोलीबारी की वारदात में सतत वृद्धि देखी जा रही है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से रमेश निषाद की रिपोर्ट। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।